हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। बिलियन है, ट्रिलियन है, अरब है, खरब है, ये कैसे क्या है पता नहीं। तो आज हम इसके बारे में क्लियरली जानेंगे, तो प्लीज़ आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं। बात करूँगा इंडियन नंबरिंग सिस्टम के बारे में। तो आप देख सकते हो कि आपको ये नंबर्स पता है, बहुत ईजी है। कैसे बोलोगे इसको? इसको हम पढ़ेंगे 589, और उसको कैसे पढ़ेंगे? 89। इसके बाद दूसरा नंबर लाते हैं, इसी तरह इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको हम पढ़ेंगे 6480, करेक्ट। और उसको कैसे पढ़ेंगे 180 को? 180। इंडियन नंबरिंग सिस्टम है वो एक्चुअली इंडिया में यूज़ किया जाता है, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान है, इन्हीं चीज़ों में यूज़ किया जाता है, और ये वैदिक नंबरिंग के बेस पे है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं कि अब आपको कभी कभार आपने देखा होगा कि ये नंबर जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, और जो डिवीजन होती है वो इंडियन नंबरिंग सिस्टम में अलग होती है और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में अलग होती है। तो सबसे पहले हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब नंबर्स हैं, इस नंबर्स में आप देखते हो कि ये वंस, जो पहला अगर मैं ये नंबरिंग लेता हूँ, इस नंबरिंग में क्या है कि जो पहला डिजिट है इसको हम डिजिट बोला है, फर्स्ट डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? वंस। उसके बाद टेंस, फिर 100, एंड देन 1000, देन 10,000, लैक्स, देन 10 लैक्स, करोड़, एंड देन 10 करोड़। तो जो करोड़ में, चाहे वो करोड़ है 10 करोड़ हो, इसी तरह 10 लैक्स को हम एक डिवीजन बना लिया, 1000 का एक डिवीजन बना लिया, और वंस का हमने एक डिवीजन बना लिया। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम ग्रुपिंग में पहले 3 डिजिट को पिन करते हैं, इसको हम ब्लॉक करते हैं 3 डिजिट को। उसके बाद जितने भी नंबर्स आगे आते हैं उसके में 2 2 2 नंबर्स को लेके एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। आपको उसके बारे में भी आगे बताता हूँ। और आप देख सकते हो कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम जो है उसमें कैसा है, पहले 1000 आता है, देन आपने देखा है कि लैक्स है, देन करोड़ है, करोड़ के बाद क्या, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है। बताता हूँ, सपोज एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा होगा, और नंबर देखते ही अरे इसको कैसे पढ़ा जाए। आपको बताता हूँ कि नंबरिंग को कैसे पढ़ा जाता है। अब आप इंडियन नंबरिंग सिस्टम में के हिसाब से, आपको मैंने जैसे बताया कि हम क्या करते हैं, पहला नंबर जो हम लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स को लेते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर्स लेते हैं उसको हम दो दो नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 480 था, हमने 408 को अलग से लिखा, 3 नंबर में लिखा सबसे पहले। और हम हमेशा राइट से जब हम ग्रुपिंग करते हैं, हमेशा राइट से करते हैं। ग्रुप का मतलब हम जब नंबर को हमें डिवाइड करना है, चाहे आप कॉमा डाल के नंबरिंग को डिवाइड करो, वो आपको मैं बताता हूँ। आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको 3 नंबर को पहले अलग से डिवाइड अलग करना है, देन उसके बाद 2 नंबर को लेना है। जैसे यहाँ से मैंने 2 नंबर लिया, उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर लूंगा, फिर 2 नंबर है, फिर 2 नंबर है, और देन अगेन 2 नंबर्स हैं। तो अब इसकी डिवीजन कैसे होती है, देखो। अब मैंने बताया कि जैसे इसको मैंने अलग अलग कर लिया, तो ये एक को हम पीरियड बोला जाता है, ग्रुप या पीरियड बोलते हैं, ओके। और ये देखो अलग अलग डिविजन्स मैंने किए हैं यहाँ पे, ओके। अब मैंने इसी इस नंबर को जो है मेन बड़े नंबर को अलग में डिवीजन कर दिया। तो हमेशा याद रखना है इंडियन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से क्या होता है। तो पहला हमारा 1000 है, फिर लाख आता है, फिर हम करोड़ लेते हैं, फिर अरब लेते हैं, देन खरब आता है। तो हमने ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे 97 खरब, 6 अरब, 15 करोड़, 20 लाख, 36,480। देख सकते हो इसको हमने, जैसे मैंने आपको बताया इसको ग्रुप पीरियड बोलते हैं। और लेफ्ट साइड से जो होता है उसको हम रीड लेफ्ट साइड से करते हैं। जैसे मैंने रीड किया 97 खरब किया, 6 अरब किया, 15 करोड़, 20 लाख एंड 36,000। देख सकते हो आप, तो कैसे इसको सेम वैसे ही पढ़ा है, 97 खरब, 6 अरब, 15 करोड़, 20 लाख, 36,480। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो चलिए एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 है, जिसमें आप मैंने रोल नंबर लिया है। आप सपोज आप क्लास में हो और आपको एग्जाम्स में आपको अपना रोल नंबर का नंबरिंग में नंबर्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले हम 3 नंबर को अलग लिखते हैं, उसके बाद जितने भी आगे नंबर्स होते हैं उसको हम दो 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 में डिवाइड करते हैं।
आगे दूसरी, ये दो नंबर है, इसको दो नंबर में डिवाइड किया। अब यहाँ तो एक ही नंबर था इसलिए हमने एक ही लिखा, अगर दो नंबर होता तो दो नंबर में डिवाइड करते, या अगर 2 4 होता या 1 4 होता तो 1 4 लिखते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसको ग्रुपिंग अलग अलग कर लिया, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। अब हमने इसको अलग अलग किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, इसको हम लैक्स बोलेंगे, ओके। और हम रीड कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, सॉरी, और हम रीड कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। और रीड रीड कैसे करेंगे, 4,36,583। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इसमें जो ग्रुपिंग होती है वो 3 नंबर्स की ग्रुपिंग। इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में पहला डिवीजन जो होता है वो 3 का ही होता है। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में 2 में डिवाइड करते हैं, बट इंटरनेशनल में लेते हैं तो हम 3 ग्रुपिंग लेते हैं। तो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने ये, कि आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा होगा, बट देखिए हम कितनी जल्दी से सीखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको डिवीजन मैंने अलग डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो पहला नंबर तो हमने 3 में ही किया है, बट आगे भी जो है हमने 3 नंबर्स में डिवाइड किया है। अगर आप इंडियन नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो आपको 2 में डिवाइड है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम लेते हैं तो हम इसको 3 में डिवाइजन करते हैं, कहीं पे भी 2 में नहीं होता, आगे सब 3 3 3 3 3 3 होते हैं। तो हम इसको जो है रीड कैसे करेंगे, हमने इसको डिवाइड कर दिया अलग 3 3 3 में, डिवीजन में अलग डिवाइड कर दिया, उसको ग्रुप्स बोलते हैं, हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने अलग अलग नंबर्स अलग अलग कलर्स में आपको दिखाया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में पहले 1000 होता है, फिर मिलियन है, फिर बिलियन है, देन ट्रिलियन है। तो इसी तरह मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट 1000 में, देन मिलियन में, देन बिलियन में, एंड देन ट्रिलियन में। तो हम जब नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 589,706,152,036,480। देखिए कितनी जल्दी हो गया। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं, कि जैसे ये नंबर है। अब इस नंबर को भी हमने कैसे डिवाइड किया है, फर्स्ट 3 डिजिट में करते हैं, वो तो हम दोनों में करते हैं, इंटरनेशनल में भी और इंडियन वाले में भी, बट इंटरनेशनल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 में डिवाइड किया है, ओके। और हम इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं तो हम कॉमा लिखते हैं, तो पहला ग्रुप को हम 1000 में आएगा, उसके बाद मिलियन आएगा, देन बिलियन आएगा, देन ट्रिलियन आएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, 62,625,745,726, ओके। तो इंडियन ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख के पढ़ सकते हो। जैसे अभी आपने देखा ये नंबर है 7,8,9,5,0,7, तो हमने देखा है हमने 3 का ग्रुप पहले बनाते हैं, उसके बाद हम 3 का ग्रुप बनाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो हम कैसे पढ़ेंगे, 789,507, देखो ये हमने 3 में डिवाइड किया है यहाँ पे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, 25,734,145, सी इट्स इजी नो, कि 10 मिलियन, ओके। तो आप देख सकते हो 10 मिलियन में कितने 7 जीरोज होती हैं, और 7 जीरोज तो हमारे यहाँ पे भी होती हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। 7 जीरोज कहाँ है, करोड़ में है। तो मतलब क्या हुआ, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, ओके। किसी ने बोला 10 बिलियन, ओके, तो 10 बिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 अरब्स। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए लिंक।